हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल मैकेनिकल LMW में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रिंग फ्रेम की बोबिन का कॉप कंटेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉप कंटेंट निकालने के लिए रिंग फ्रेम में कॉप कंटेंट के कौन कौन से पॉइंट याद होने चाहिए। पहला तो लिफ्ट, दूसरा रिंग डाया। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे 3.25 इंटू लिफ्ट इंटू डाया स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिफ्ट लिया हमने 170 mm और उसको इंच में कन्वर्ट किया है। 170 डिवाइड 25.4 यानी आया हमारे इंच में 6.6929। उसके बाद रिंग हमने लिया है, रिंग डाया लिया है 38 mm 38 mm का, उसको इंच में कन्वर्ट किया है। 38 डिवाइड 25.4 हमारा आया है 1.49606। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाएंगे 3.25 इंटू लिफ्ट इंटू डाया स्क्वायर, तो हमारा आएगा बोबिन इन वेट पर ग्राम। तो चलो हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले फार्मूला में 3.25 इंटू हमारा लिफ्ट का इंच में कितना कन्वर्ट किया था, ये किया है मैंने लिफ्ट को कन्वर्ट 6.6929। वही सिक्स लिफ्ट की जगह पे हमने 6.6929 फिर इंटू ये वाला इंटू यहाँ रखा है। उसके बाद हमने स्क्वायर वाला डाया रखा है यहाँ पे, डाया रिंग रिंग फ्रेम का है, रिंग का डाया है 38 mm 38 mm, उसको इंच में कन्वर्ट किया था तो कितना आया था, 38.25.4 आया था। तो उसको कन्वर्ट करके कितना आया, 1.49606। उसको हमें डाया की जगह पर रखना है, यहाँ पे रख दिया हमने। उसके बाद इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें इंटू करेंगे 3.25 इंटू 6.6929 इंटू इतना हमने इसका निकाला कैलकुलेशन करके, तो आया 2.238195। उसके बाद इसका सबका हमने किया तो आया हमारे बोबिन का ग्राम आया 48.48.68 ग्राम पर बोबिन वेट इन ग्राम। एक बोबिन का ग्राम 48 ग्राम का आया लगभग, 48.5 ग्राम का। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो और आती रहेंगी ऐसी ही।